की शमी की जो पत्ती होती है उस शमी की पत्ती को कब कैसे और कहाँ चढ़ाना चाहिए और शमी की पत्ती का फल क्या होता है वो भी अभी हम समझेंगे। शमी संपूर्ण स्नान भगवान का होता है, संपूर्ण स्नान अब समझे उसको। ये शिवलिंग है जलाधारी, जल निकल कर जाने का स्थान, गणेश कार्तिकेय अशोक सुंदरी, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया विषहरा शामली बारी बहुतली अब जब देव अधिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है कब चढ़ाते हैं, जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देव अधिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार, बाबा को चंदन का लेपन, अभी गुलाल अक्षत बेलपत्र धतूरा जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया, सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्ती को माँ जगत जननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वो तो माँ जगत जननी देवाधिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण कर। शमी पत्र का एक बात और स्मरण में रहे, शमी पत्र की बहुत एक बात और अपने स्मरण में शमी।